वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने वाली हूँ और जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि क्विकली कैसे झटपट बन के रेडी होती है। शबरात की आमद आमद है तो यकीनन ये रेसिपी आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले आप एक पैन ले लें, मीडियम फ्लेम पर उसकी हीट रखें और 3 टेबल स्पून के करीब उसमें आप घी ऐड करें। बटर घी लें, देसी घी लें या चाहें तो आप सिंपल घी भी ले लें। जैसे ही घी मेल्ट हो तो इसमें 2 कप के करीब पिसा खोपरा शामिल करें और इसे उस वक्त तक भूनें कि इसकी हल्की हल्की खुशबू उठने लगे। उसके बाद आप फ्लेम कर दें स्लो और 1/3 कप शुगर, 1 पैकेट फ्रेश क्रीम, 1/3 कप ही मिल्क इसके अंदर ऐड कर दें और 2 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से भुनाई करें। जैसे ही आप इसको भूनेंगे इससे खुशबू उठना शुरू हो जाएगी, लेकिन फ्लेम आपने हल्की रखनी है और इसको उस वक्त तक भूनना है कि जब तक हमारी चीनी अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाए। बीच में चाहें तो चीनी चेक कर लें, अगर कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से भूनते रहें, जैसे इसका लाइट सा कलर क्रीमी सा हो जाए वहाँ पे आपने इसकी फ्लेम ऑन कर देनी है। और एक ट्रे ले लेनी है, डिस्पोजेबल लें, जो भी लें, एक भी बर्तन लेके उसके अंदर इसको कुछ इस तरह से सेट कर लेना है कि अच्छी तरह से एक अच्छी सी लेयर सी की शेप में आ जाए। और इसको सेट करने के बाद इसके अंदर हम गार्निशिंग के लिए डालेंगे पिसा हुआ पिस्ता। और इसको गार्निश करने के बाद हम इसे अपने स्पैचुला या चम्मच की मदद से इस तरह से प्रेस कर देंगे कि ये भी इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाए। और अपनी चॉइस के मुताबिक इसके पीसेस कट कर लीजिए। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार खोपरे की बर्फ़ी बन गई हमारी रेडी हो चुकी है और ये टेस्ट में इतनी ज़बरदस्त लगेगी। और अगर आप शबरात में इबादत को इग्नोर नहीं करना चाहते, क्विकली कुछ बनाना चाहते हैं तो इसे ही बनाइए। उम्मीद करती हूँ ये क्विक सी रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। तो इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।